दोस्तों मुझ पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप मुझ पर वीडियो किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं और आपकी हर वीडियो जो है वायरल की तरफ बढ़ेगी और आपकी हर वीडियो पर व्यूज़ और लाइक आने जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये सब ही बताने वाले हैं, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं वीआईपी टेक इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस रेड कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही इस बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं सीधा हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों सबसे पहले हमें अपने यहाँ पर मोज ऐप को जो है यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपना मोज ऐप जो है यहाँ पर ओपन कर लिया है। और दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। तो उसके बाद आपको करना क्या है ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपनी प्रोफाइल जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको मैं दिखला देता हूँ, उस टाइम मैंने एक वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड कर रखी है और ओनली 5 फॉलोअर्स मेरे आपको दिखाई दे रहे हैं और 24 लाइक आपको मेरी यहाँ पर दिखाई देनी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझ पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपनी एल्बम पर, वीडियो अपलोड करने के सेक्शन पर यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपनी एल्बम में से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें से एक वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाली वीडियो जो है दोस्तों सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपको अगर आप इसे एडिट करना चाहो, साउंड लगाना, स्पीड बढ़ाना या फिर टेक्स्ट वगैरह जो भी आप फिल्टर वगैरह यहाँ पर लगाना चाहते हो लगा सकते हो। तो मैं बिना फिल्टर लगा यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है यहाँ पर लोडिंग ले रही है और यहाँ पर 1-2 सेकंड का दोस्तों ये टाइम लेती है। यहाँ पर जो है परसेंटेज चल रही है, जब ये 100 कंप्लीट हो जाएगी आपकी वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ हमारी वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हमें टाइटल वगैरह जो है यहाँ पर डालने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको हैशटैग लगा देना है। तो यहाँ पर मैं हैशटैग लगा देता हूँ और आपको डाल देना है कॉमेडी वीडियो। यहाँ पर मैंने डाल दिया न्यू कॉमेडी। उसके बाद आपको दोबारा से हैशटैग पे क्लिक करना है या फिर आप डायरेक्ट स्टेटस भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया। आपको अपनी वीडियो जिस टॉपिक पर उसका टाइटल डाल लेना है। उसके बाद आपको हैशटैग पे क्लिक करना है। आपके सामने काफ़ी सारे हैशटैग जो है यहाँ पर आ चुके हैं। आपको जितने भी यहाँ पर हैशटैग दिखाई देंगे 10-15 आपको यहाँ पर सारे हैशटैग एक एक करके लगा देने हैं। दोस्तों ये सारे जो होते हैं यहाँ पर ट्रेड ज़्यादातर मोज के अंदर सर्च करने वाले हैशटैग होते हैं। ज़्यादातर वीडियो जो है इस टाइम इनों की यहाँ पर ट्रेंडिंग पर चल रही है। तो यहाँ पर मैं ये सारे हैशटैग लगा देता हूँ। एक आज जो है दोस्तों मत लगाना, लेकिन जो जितने भी आते हैं 10-15 आप लगा सकते हो। अगर आप किसी और तरह के हैशटैग लगाना चाहते हैं तो आप सर्च करके भी लगा सकते हैं दोस्तों, वरना मैं तो यहाँ पर इनमें से ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मैं एक आध हैशटैग जो है आपको सर्च करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इतने यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रेंडिंग लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रेंडिंग आ चुका है, मैंने ट्रेंडिंग का हैशटैग भी लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर एक आध हैशटैग मैं और लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेस्ट स्टेटस। तो यहाँ पर मैंने बेस्ट स्टेटस का भी जो है टैग लगा दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे करना है, यहाँ पर आपको फ्रेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने फ्रेंड जोड़ सकते हैं या फिर अपने पर्सनल फ्रेंड या फिर फेमस लोगों को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ रियाज अली। यहाँ पर मैं फेमस लोगों को जो है यहाँ पर जोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, जैसे लगा देता हूँ MD फैजू। तो ये आ चुका है। उसके बाद आप लगा सकते हैं एक आध और, जैसे कि मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ जन्नत हो गई, जो कि टिकटॉक स्टार थी वो इस ऐप पर भी हैं। तो मैं उनका टैग एक और लगा कर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जन्नत लगा दिया है, यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अपने फ्रेंडों का या फिर आप फेमस लोगों का ढूंढ के लगा देना। तो यहाँ पर मैं जो 4-5 जनों का फेमस लोगों का यहाँ पर नाम लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने यहाँ पर आया नहीं है दोस्तों, फिर भी मैं यहाँ पर हैशटैग जो है हटा देता हूँ। इन्हों का नाम दोस्तों आया नहीं है, रोहित जानू राखी हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस इस टाइम हो रहे हैं। तो इतना करने के बाद आपको अपनी मर्जी से लगा देना। उसके बाद आपको इस पर एलो ड्यूट वाली सेटिंग बंद कर देनी है और उसके बाद आपको वीडियो जो है वाली सेटिंग को जो दोस्तों यहाँ पर ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको वीडियो यहाँ पर पोस्ट कर देनी है। यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो जो है पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यहाँ हमारी वीडियो जो है दोस्तों अपलोड हो रही है। तो एक यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी वीडियो जो है यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपनी प्रोफाइल पर और यहाँ पर मैं ऊपर से आपको दिखाता हूँ वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपको अपनी प्रोफाइल में जाके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ हमारी वीडियो जो है दोस्तों अपलोड हो चुकी है। तो यहाँ मैंने पेज रिफ्रेश कर दिया है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो पर अभी 1 भी लाइक,
और एक भी व्यू दोस्तों नहीं आया है, तो मैं आपको 15 मिनट बाद आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि 15 मिनट बाद हमारी वीडियो पर कितने व्यूज और कितनी लाइक आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं 15 मिनट बाद हम अपने मोज पर। तो यहाँ मैंने मोज अपना ओपन कर लिया है और मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 15 मिनट बाद मेरी वीडियो पर कितने व्यूज और कितनी लाइक आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने मोज ऐप जो है यहाँ पर ओपन हो चुका है और मैं यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ मैंने अपनी प्रोफाइल पर दोस्तों क्लिक कर दिया है और यहाँ पर हमारी वीडियो जो है आ चुकी है और आप देख सकते हैं 15 मिनट के अंदर 296 व्यूज जो दोस्तों हमारी वीडियो पर आ चुके हैं और यहाँ पर 8 फॉलोवर हमारे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ 15 मिनट के अंदर हमारी वीडियो पर 11 लाइक आ चुकी हैं और 296 व्यूज हमारी वीडियो पर आ चुके हैं। दोस्तों ये बिल्कुल रियल तरीके से मैंने आपको करके बताया, आप देख सकते हैं 8 फॉलोवर और यहाँ पर 35 लाइक जो हमारे जुड़ चुकी हैं, यानी कि इस ट्रिक की मदद से आप अपनी वीडियो जो है अच्छी तरह से पोस्ट करके वायरल की तरफ बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपकी वीडियो वायरल भी हो सकती है, वीडियो अपलोड करने का ये बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो जाने से पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई भी दिया जाएगा।